हाय ऑल। सो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है मेरा की। ओके, पहली चीज तो व्हाट इज मेरा की और व्हाई इट इज सो पॉपुलर। मेरा की को जानने से पहले ये समझते हैं कि ये व्हाई इज सो फेमस। और इसके पीछे की हिस्ट्री जानते हैं कि भाई व्हाट इज द हिस्ट्री, क्योंकि तब जाके हमें समझ में आएगा कि भाई मेरा की एक्चुअल में है क्या। ठीक, ओके। तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत अगर हिस्ट्री की बात करें इसकी, तो अगर मैं मान लो पहले मुझे एक छोटा सा ऑफिस सेटअप करना था या छोटा सा नेटवर्क सेटअप करना होता था, तो काम कैसे होती थी, चीजें कैसे होती थी। मैं क्या जाता था, किसी वेंडर के पास जाता था, राइट। जस्ट लाइक से मैं किसी वेंडर के पास गया और उससे मैंने क्या लिया, इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, या सर्विस प्रोवाइडर से मैंने इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, किसे लिया, जियो से। ओके, दो सर्विस प्रोवाइडर है मेरे, एक जियो है एक एयरटेल है। ठीक है, इनसे मैंने क्या लिया, एक लीज लाइन ले ली, लीज लाइन, और इससे भी मैंने लीज लाइन ली। अब जो लीज लाइन कनेक्ट होती थी वो यूजली क्या होता था, मैं छोटे ऑफिस की बात कर रहा हूँ, तो क्या होता था, फायरवॉल होता था, फायरवॉल पे कनेक्ट होते थे, ये फायरवॉल पे कनेक्ट होते थे। जिस तरीके से होते थे, आईएसपी का कनेक्शन आया, उसने यहाँ पे एक स्विच लगाया, उसका एक कनेक्शन यहाँ दे दिया और एक कनेक्शन यहाँ दे दिया, तो इस हिसाब से वो कनेक्ट होते थे। ओके, फिर क्या होता था, फिर फायरवॉल से नीचे हमारे क्या होते थे, कोर स्विच होते थे, राइट। और कोर स्विच कैसे कनेक्ट होते थे, सेम फैशन रेडुंडेंटली कनेक्ट होते थे, राइट। और कोर से नीचे क्या होते थे, एक्सेस स्विच होते थे, क्या है, एक्सेस स्विच, अ लॉट ऑफ एक्सेस स्विच, इस टाइप की कनेक्टिविटी होती थी। लेकिन तो फिर दिक्कत क्या है इस कनेक्टिविटी में, राइट, व्हाट इज द इश्यू विद दैट। एंड देन अगर मान लेते हैं कुछ कुछ यूजर को वाईफाई चाहिए होता था, तो वो यहाँ पे वाईफाई लगा देते थे, हर एक्सेस स्विच पे क्या लग जाता था, वाईफाई लग जाता था, या फिर कुछ और पे भी वाईफाई लगा देते थे, तो जो लैपटॉप वाले यूजर है वो इनसे कनेक्ट हो जाते थे, राइट। सो दैट वाज क्या था, ट्रेडिशनल नेटवर्क, क्या है ये, ट्रेडिशनल नेटवर्क। व्हाट डू यू मीन बाय, कैसा ये ट्रेडिशनल नेटवर्क, ट्रेडिशनल नेटवर्क का मतलब जो चल रहा था, ऐसा नहीं अभी भी चलता है, बहुत सी जगह अभी भी यही चलता है, बहुत सी जगह अगर 70% अभी भी यही नेटवर्क चलता है। तो फिर क्या इसमें दिक्कत क्या है, वो समझते हैं। इसमें वैसे दिक्कत तो कुछ नहीं है, देखा जाए तो कुछ ही दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते हैं मुझे इस फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना है, तो क्या करना होगा मुझे, ठीक है, मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा, कंसोल लेना पड़ेगा, राइट। कंसोल लेके मैं इसको कॉन्फ़िगर कर दूंगा और इंटरनेट के लिए नेट रूल बना दूंगा, इंटरनेट के लिए एक्सेस डिफॉल्ट राउट डाल दूंगा, यहाँ पे इंटरनल टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड रूल बना दूंगा, दैट्स ऑल। और इन दोनों फायरवॉल को एचएमए कर दूंगा, एंड इस पे भी सेम चीज करूंगा, वही इनसाइड टू आउटसाइड रूल, नहीं तो इन दोनों को एचएमए लाऊंगा तो इनसाइड टू आउटसाइड क्यों जरूरत, क्योंकि दोनों एक्ट करेंगे एजी फायरवॉल, सिंगल फायरवॉल, राइट। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी, इसमें ये दिक्कत हुई कि मुझे कंसोल लेके कॉन्फ़िगर किया मैंने इसको, राइट। अब मैं कुछ भी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, इसका एक्सेस चाहिए, राइट। अब ये स्विच है, इस स्विच को मैंने लगाया, इस स्विच का क्या लिया, मैंने कंसोल लिया, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की, SSH इनेबल किया, फिर मैं कहीं से भी बैठ के इसको मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया लैपटॉप पे बैठ के, सेम इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, अभी भी करते हैं लगभग, राइट। तो मेरा की में ऐसा क्या, मेरा की क्या देता है,
मेरा की भी यही चीज देता है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंटली देता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंटली, तो वो हम डिस्कस करते हैं। अब मान लेते हैं सेम चीज क्या है, मेरा की है, सेम यही कंपनी है, और यही कंपनी ने क्या किया है, मेरा की का नेटवर्क सेटअप किया है। ऑलराइट, तो इसने क्या किया, वो सेम चीज आईएसपी के पास गए। ओके, ये आईएसपी मान लेते हैं, ये जियो और आईएसपी, इससे कनेक्शन लिया, इससे कनेक्शन लिया, एक स्विच लगाया यहाँ पे, यहाँ पे भी एक L2 स्विच लगाया, और यहाँ पे मेरे दो फायरवॉल है, तो इससे भी एक कनेक्शन दे दिया, इससे एक कनेक्शन दे दिया, इससे एक कनेक्शन दे दिया। ऑलराइट, इससे भी कनेक्शन दे दिया। अब क्या हुआ, मेरा की ने क्या किया, मेरा की में लेना तो कंसोल मेरा की में भी पड़ेगा, ऐसा है नहीं कि बिना कंसोल के हो जाएगा, लेकिन उसमें एक बार कंसोल ले लिया हमने। कंसोल लेके क्या किया, इस इंटरफेस को हमने या तो डीएचसीपी पे सेट कर दिया या स्टैटिक आईपी दे दी। कौन सी आईपी थी जो हमें, सॉरी, इस इंटरफेस पे क्या किया, ये तो आईएसपी का स्विच है, जो आईएसपी ने हमें स्टैटिक आईपी दी वो स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर कर दी, या फिर आप ये मान सकते हो इस इंटरफेस को किस पे कर दिया, डीएचसीपी पे कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, डीएचसीपी पे। तो जैसे ही मैंने डीएचसीपी पे किया तो क्या होगा, यहाँ आईएसपी वाले राउटर ने तुम्हारे लिए डीएचसीपी इसको कॉन्फ़िगर कर रखा है, ठीक है। मान लो आपको /29 का सबनेट दिया है ना, तो आईएसपी वाले ने यहाँ क्या कर रखा है, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया है। तो जैसे ही आप डिवाइस को प्लग करोगे अपने डिवाइस में और उसको स्टैटिक की जगह डीएचसीपी पे करोगे, तो आपके डिवाइस को आईपी मिल जाएगी, और क्या मिल जाएगा, सबनेट मास्क मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, गेटवे मिल जाएगा। ओके, तीन चीजें मिल गई, तो ऑब्वियसली मेरा क्या है, मैं इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता हूँ, राइट। तो जैसे ही मैं इंटरनेट से, मुझे इस फायरवॉल पे इंटरनेट मिला, अब क्या करेगा ये फायरवॉल सीधा जाएगा क्लाउड को रिपोर्ट करेगा, किसको करेगा, क्लाउड। व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड, क्लाउड मींस मेरा की कंट्रोलर। ओके, मेरा की कंट्रोलर, व्हाट डू यू मीन कंट्रोलर, क्या होता है। ओके, कंट्रोलर एक ऐसी चीज होती है जिसे आप एक जगह बैठे पूरे नेटवर्क को मैनेज कर सकते हो। आप कहीं बैठे हो रिमोटली, कहीं दुनिया में किसी भी कोने पे बैठे हो, आप कंट्रोलर में लॉगिन किया आपने, और उस कंट्रोलर की बदौलत आप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, कहीं पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। फायरवॉल वाले केस में क्या होता था, यहाँ पे क्या होता था कि भाई मुझे हर बार क्या होता था, मुझे एक्सेस लेना पड़ता था इसका, और कुछ भी करूंगा तो मुझे इस फायरवॉल का एक्सेस लेना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा, इस स्विच का लेना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा, और सब पे इंडिविजुअल करना पड़ेगा, राइट। अगर कुछ इस पे चेंज करना है तो स्विच पे अलग, इस फायरवॉल पे अलग। लेकिन मेरा की में क्या होता है, आप एक साइट पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। एक साइट का मीन्स क्या भाई, आप ये साइट है, कंप्लीट साइट है, इस साइट पे मैं चाहता हूँ भाई VLAN 40 बन जाए, या फिर मैं चाहता हूं कि भाई एक रूल बन जाए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रूल, इस फायरवॉल को लॉगिन करूंगा और फिर रूल बनाऊंगा। यहाँ पे क्या होगा, मैं डिवाइस पे कुछ नहीं बनाऊंगा, ठीक है, मैं किस पे बनाऊंगा, कंट्रोलर पे बनाऊंगा सब कुछ, मैं क्या करूंगा, कंट्रोलर पे। और ये डिवाइस किसको रिपोर्ट करते हैं, कंट्रोलर को। तो कोई भी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, ये डिवाइस ऑटोमेटिक उस कॉन्फ़िगरेशन को उठा लेंगे, राइट। सो दैट्स द अमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग।
या कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क जो कि आजकल हर जगह चलती है, कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क। कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क। सो अब क्या होगा, अब मान लो फायरवॉल के नीचे, अब मान लेते हैं यहाँ पे मेरा की गई स्विच है, जैसे मैंने इनको कनेक्ट किया, इनको भी आईपी मिली कहाँ से, फायरवॉल से मिली है या जो भी मिली है, फायरवॉल से आईपी मिल गई। फिर मैंने क्या किया, एक्सेस पॉइंट कनेक्ट किए, इनको भी आईपी मिल गई। तो ये सारे के सारे जैसे ही इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, ये एक टनल बना देंगे किसके बीच में, मेरा की कंट्रोलर और आपके डिवाइस के बीच में। ये डिवाइस क्या बने, जैसे ही इसको इंटरनेट मिलेगी, ये सबसे पहले किसके पास जाएगा, कंट्रोलर। ये एक्सेस पॉइंट है एपी, इसको जैसे इंटरनेट मिला किसके पास जाएगा, कंट्रोलर के पास। और इन दोनों के बीच, कंट्रोलर और डिवाइस के बीच में एक टनल बन जाती है। तो हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उस सॉफ्टवेयर पे करेंगे, उस कंट्रोलर पे करेंगे, और वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ रेप्लिकेट हो जाएगी, आपके डिवाइस पे। जैसे एक ये मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया है कि भाई मेरा की का डैशबोर्ड इस टाइप से दिखता है। अब यहाँ पे आपकी कंपनी की ईमेल से लॉगिन करो, जैसे ही लॉगिन करोगे ये डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा, और वहाँ आपके सामने हर साइट खुलेगी। जैसे आपके पास 5-4 साइट है, तो 5-4 साइट का ऑप्शन खुल जाएंगे आपके, जैसे एक साइट, दो साइट, तीन साइट। अब मैं चाहता हूँ इस साइट वाले, इस साइट पे मैं एक SSID बनाऊंगा। SSID का मतलब कोई वाईफाई का नाम दो, जैसे TC गेस्ट। ठीक, इस सिनेरियो में क्या होना, क्या होता था, मैं हर एक्सेस पॉइंट पे जाता और मुझे SSID बनानी होती थी। इस केस में क्या होगा, मैं कंट्रोलर पे लॉगिन करूंगा। ठीक है, मैंने क्या, किस पे लॉगिन किया, कंट्रोलर पे। मैंने साइट सेलेक्ट की, जैसे मान लेते हैं ये है जयपुर, तो मैंने जयपुर की साइट सेलेक्ट की और जयपुर पे मैंने एक SSID बनाई थी, TCN गेस्ट। अब ये गेस्ट जितने भी जयपुर के एक्सेस पॉइंट है ना, जैसे मान लो 20 एक्सेस पॉइंट है, उन सारों पे वो SSID इम्प्लीमेंट हो जाएगी। सो दैट्स द रियल बेनिफिट ऑफ क्लाउड, आप बोल सकते हो क्लाउड बेस्ड कंट्रोलर। इसके अलावा भी हो रहे हैं, तो इस सीरीज में हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। अगले सेशन में हम देखेंगे कैसे हम पैकेट ट्रेसर पर मेराकी को कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं मेराकी का पैकेट ट्रेसर पे। सो आई होप दिस इज बेनिफिट फॉर यू। थैंक यू फॉर व्यू।